الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين عزيزاني جرامي محترم ناظرين اسمة أنبياء عليهم السلام أو معصومين عليهم السلام كاسمة كبارمة बहस व गुफ्तु का सिलसिला जारी है और एक सवाल जो सामी ने किराम की ख़िदमत में मस हमने पेश किया जो जहनों में उठता है ये सवाल और सवाल बन के ये बात बार बार सामने आती है मुताले के वक्त या शुबात जो पेश हो जाते हैं जहनों में और सवाल जो ये था कि ये यहमत जो है मासूमिन की अम्बिया की ये येमतवा और तफजली है यानि अल्लाह ताली का तफजुल है और अ है परवरदिगार आलम ने ऐसी चीज़ है जिससे अल्लाह ने नेता किया है मासूमिन को और फिर उसमत और वोत जो अता हुई है उनको उसकी बदौलत और उस कुवत के ज़रिए वो तमाम गुनाहों से बचते हैं या नहीं बल्कि इस्मत जो है वो इकतसाबी है और ख़ुद जहमत करके कस्ब की है और ख़ुद अख्तियार किया है इन तमाम चीज़ों को अपनी जहमतों से और मुकदमा से तो ये पहला सवाल और इसके बाद दूसरा सवाल ये कि अगर तफजली है और एताई है अल्लाह ताला ने अता फरमाया है तो फिर मासूमिन का अम्बिया का दूसरों पर जो है वो अफजल होना ये कैसे साबित होगा वो दूसरों से अफजल और बरतर कैसे हुए फिर अल्लाह ने इसमत अता की लिहाजा वो गुनाह नहीं करते हैं तो दूसरी शक्ल जो सवाल की थी बस ये कि अगर एताई है और अल्लाह की तरफ़ से हुई है तो फिर आ, क्या यह अम्बिया आसलम ये हस्तियाँ और मासूमी आलैम आई मथाराम तो ये हस्तियाँ जो है ये जो गुनाहों का इरतकाम नहीं करते तो ये गुनाहों से बच जाते हैं अजीज़ान ग्रामी तो ये गुनाहों से मासूम होना और हर किस्म की आलूदगियों से महफूज होना अजीज़ा गिरामी येमत की वजह से जो मासूमी आलम को ये फ़ल हासिल होता है तो ये आ, क्या मतलब किस तरीके से उनकी फजीलत और उनका कमाल और बर्तरी दीगर इंसानों पर कैसे होगी क्योंकि इसमें क्या कमाल है कि अल्लाह ने उन्हें इसमत अता की और उसमत उस की वजह से वो गुनाहों से बच जाते हैं पहले सवाल के जवाब में तो ये बात रोशन है कि ये लुफ ख़ास है जो अल्लाह ताला अपने मखसूस बंदों के साथ करता है और ये खास इनायत अल्लाह ताला की और ये क़वत अल्लाह ताला की तरफ़ से अ की जाती है मासूमीन आलम को अम्बिया को ये तो चीज़ जो है वो आ, नकली दलाइल से रवायात से ये चीज़ें वाज़ होती हैं और रोशन होती हैं और अकली दलाइल में भी अक्ल इस चीज़ को जो है वो इदराक़ करती है कि मुकम्मल तौर से कामिल तौर से तमाम गुनाहों से बचना ये एक ख़ास तइद और एक ख़ास तोफ़ी और मखसूस लत्फ़ अलाही ही से मुमकिन हो सकता है किसी इंसान के लिए अब इस तफजल एताई होने के बाद दूसरा सवाल के पस क्या बरतरी है किस तरह फजीदत और कैसे ये हस्तियाँ जो हैं ये अफजल हो जाएंगी बरतर हो जाएंगी दीगर इंसानों पर तमाम इंसानों से दीगर इंसान गुनाहों का इरतक करते हैं ख़तएँ उनसे सरजद होती हैं इन हस्तियों से गुनाह सरजद नहीं होते ये गुनाहों को अंजाम नहीं देते कभी भी पूरी ज़िंदगी में अपनी तो अज़ीज़ा ग्रामी हमने यहाँ पर एक बात यूँ पेश की थी एक काउंटर क्वेश्चन की सूरत में कि मुकाबले में एक दूसरा सवाल रखा था कि अल्लाह ताला ने जो इन हस्तियों को नबूत के मनसब पर फ़ाइज़ किया एक लाख चौबीस हज़ार पैगम्बर गुज़रे जिन में सबसे पहले हज़रत आदम आमाम और सबसे आखिरी हज़रत ख़ात हज़रत महमद मुफ़ा की हस्ती जो तमाम अम्बिया और मुरसलीन में सबसे अफज़ल और अशरफ़ हैं और बरिया हैं सबसे अफज़ल और बरतरो बाला सबसे वाला मकाम सबसे महबूब तरीन हस्ती अल्लाह के नज़दीक तो अजीजान गामी अब यहाँ पर इसी तरीके से जो रसूलुल्लाह के जानशीन हैं और रसूल्ला की बेटी हैं बाज़मत बेटी शहज़ादी कौनैन सलामुल्ल आल तो ये हस्तियाँ भी ये मासूमी हैं और औरमतत की खसूसियत के साथ हैं, हैंत की मंजिल पर हैं लिहाजा कोई गुनाह इन हस्तियों से सरजद नहीं होता और अल्लाह के मखसूस इस लुफ्फ़ करम से नवाजे गए हैं और ये क़वत अल्लाह की तरफ़ से उन्हें अता हुई है और वो तमाम गुनाहों से बच जाते हैं अब सवाल जो दूसरा था वो ये कि बस अगर वो इस कुवत की वजह से और इस मत की वजह से गुनाहों से बचते हैं तो फिर वो फ़ाइल मुख्तार कैसे हुए एक और सूरत में सवाल जो पेश हुआ ये तमाम मुख्तलिफ सवालात हैं जिनका सरचश्मा और बाजगश्त एक बुनियादी और असासी नुक़े की तरफ है जनाब तो अब आप गौर कीजिए वो तोज्जो फरमाइए कि बस ये हजरत अगर इसमत अल्लाह की तरफ़ से इन्हें अता हुई और ये गुनाहों से बचते हैं वो पूरी ज़िंदगी में कभी भी गुनाह अंजाम नहीं देते हैं मासूम हैं कोई गुनाह कभी भी उनसे सरजद नहीं होता न हुआ है तो अजीज़ा ने गामी सवाल अब यह है कि बस ये कैसे ये मुख्तार न हुए फ़ाइल मुख्तार न हुए बल्कि मजबूर हुए गुनाहों से बचने में उस कुवत की वजह से जो अल्लाह की तरफ़ से वो लुफ़ जो अल्लाह की तरफ़ से इनको अता हुआ है तो हमने एक काउंटर क्वेश्चन किया कि ये अम्बिया जो नबूवत पर फ़ायज़ हुए हैं इसी तरह औलिया अलैहिस्सलाम जो विलायत के उहदे पर इमामत के उहदे और मनसब पर फ़ायज़ हुए हैं अजीजा चुने गए हैं इस मनसब के लिए तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये दूसरों से अफज़ल व बरतर थे तब अल्लाह ने इनको चुना और इनको इंतखब किया है इस उहदे इलाही के लिए मनसब इलाही के लिए और इनको तमाम दीगर इंसानों के लिए नमून अमल करार दिया है और तमाम इंसानों पर बल्कि तमाम मखलूक़ात पर इनकी इतात और फरमा बरदारी को अल्लाह ताली ने वाजिब कर दिया है जिस तरह अल्लाह ततात उसके बंदों पर वाजब है अखली तौर पर भी नकली तौर पर भी कि वो अल्लाह ताला की इताद करें वो उनका खालिक व मालिक है तो अब अल्लाह ताला ने इनको चुना इस उहदे और इस मनसब के लिए जो इलाही मनसब इलाही उहदा है और ये होली और सेक्रेट डेजिग्नेशन जो अल्लाह ताला की तरफ से मनसब है इस पर फ़ायज़ फरमाया ताला ने इन हस्तियों को चुन लिया तो अल्लाह ताला ने क्या किसी मैार की बुनियाद पर इंतख किया है या यूं ही ख्वाख इन हस्तियों को दूसरों पर बिला वजह तरजीह देकर इंतखा कर दिया और इनकी इताद दूसरों पर वाजिब कर दी तो कोई फ़जीलत और कोई बरतरी और कोई ऐसी खसूसियात जो दूसरों से बेहतर तरीके से अच्छी खसूसयात इन हैं जिनकी बुनियाद पर इनका इंतखा और चुनाव हुआ या नहीं यूं ही बस चुन लिया गया तो यकीनन इसका जवाब तो यही है कि इन हस्तियों ये हस्तियां वो हस्तियां हैं जो रुए ज़मीन पर तमाम इंसानों के दरमियान सबसे बेहतर हैं और जिस तरह दूसरे फ़ाय अब सवाल ये कि क्या ये सबसे बेहतर हैं तो अपने इरादे और इख्तियार से दूसरों की नस्बत ये सबसे अच्छा काम करने वाले और सबसे बेहतरीन बंदे हैं अल्लाह के सबसे बा बंदे हैं ख़ुदावंद मुताल के या नहीं फ़ाइल मुख्तार नहीं अल्लाह ने उन्हें अफजलो बरतर बना दिया तो वहाँ पर भी हमारा यही सवाल होगा तो यकीनन वहाँ जवाब यह है कि ये अपने इख्तियार से तमाम इंसानों के दरमियान जब सब आमाल करते हैं तो ये सबसे खरे और सच्चे और सबसे अच्छे और भले बंदे हैं तमाम इंसानों में सबसे अपने अपने दौर के अंबिया जो थे वो सबसे अफजलो बरतर थे उन उस ज़माने के इंसानों से तो आजीज़ आंदी अब आप देखिए कि जो हम जब हम वहाँ कहते हैं कि अफजल व बरतर थे लिहाजा चुनाव हुआ है उस बरतरी और फजीलत और उनके सबसे बेहतर होने की वजह से जैसे कि अल्लाह ने बयान भी कर दिया इस चीज़ को अल्लाह आलमों हईसो यज अलो रसालत अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने किन हस्तियों का इंतब किया है और किन का चुनाव किया है और कहाँ रिसालत को करार दिया है वो बेहतर जानने वाला है लिहाजा वो जानता था कि ये हस्तियाँ सबसे बेहतर हस्तियाँ हैं अपने इरादे इख्तियार में सब के दरमियान ये सबसे जो हैं अच्छे बंदे हैं मारफत के लिहाज से अमल के लिहाज से अच्छी सिफात अपनाने के लिहाज से बुराइयों और गुनाहों से बचने के अतबार से कोशिशों के अतबार से सवील में कोशिश करने के अतबार से लिहाजा इनको अल्लाह ने चुना और इंतखब किया तो यही जवाब अजीज़ आने ग्रामी यहाँ पर भी है कि इस्मत के लिए कि अब ये चूँकि सबसे बेहतरीन बंदे हैं ये सबसे अफजल बंदे हैं इतने बेहतरीन और इतने प्यारे और इतने अच्छे खरे बंदे हैं सच्चे बंदे हैं के अल्लाह ताला के सामने सरे तस्लिम खम किया है सरब सुजूद हुए हैं सजदे में गिरे हैं ख़ुशु किया इतात परवरदिगार के मकाम में ऐसी इतात की कि इख्तियार के साथ कि दूसरे नहीं कर सकते हैं लिहाजा ये सबसे से सब कत लेने वाले आगे बढ़ने वाले और सबसे ज़्यादा अल्लाह की मारफत में डूबे हुए इलाही बंदे हैं खुदा वाले बंदे हैं अल्लाह वाले लिहाजा इसी खसूसियत की बिना पर अल्लाह के इल्म अज़ली में था कि ये बंदे ऐसे होंगे अपने इरादे व इख्तियार से लिहाजा अल्लाह ने अपने इल्म अजली ही में चुन लिया कि ये चूँकि सबसे बेहतरीन होंगे सबसे ज़्यादा कोशिशें करने वाले होंगे वो भरपूर कोशिश से अपने को अल्लाह की राह में लगाने वाले और अल्लाह की मासीत से अपने को कंट्रोल में करने वाले तो आजीज़ान गामी फिर यहाँ पर लुफ़ इलाही का तकाज़ा भी यही था कि अल्लाह ताला जिस तरह चूँकि जानता था कि ये सबसे बेहतरीन हैं और होंगे लिहाजा अल्लाह ने इनको नबूवत और रसालत के लिए चुना इसी तरह इन्हीं को इस्मत के लिए चुन लिया और इस्मत क्या है एक लुफ ख़ास है एक तौफीक है परवरदार आलम की तरफ़ से और ये तो़ीक जो उनको मिली है ये लुत्फ़ ख़ास और ख़ास इनायत जो अल्लाह ताला की है कि जितना इल्म इनको दिया दूसरों को नहीं दिया सलाहियत की बुनियाद पर दिया है बस उस इल्म को देख कर अपने इल्म के मुताबिक उन्होंने सबसे ज़्यादा अमल किया है लिहाजा इसमत की मंजिल के वही हकदार है। हैं और हकदार थे लिहाजा जिस तरह उनको रसालत और नबूवत के लिए चुना इमामत के लिए चुना अल्लाह ताली ने इसी तरह अजीज़ा अजीज़ा गिरामी उनको इसमत के लिए अपने इल्म अजली ही में इंतख किया किया उन, उनके उनकी इस खसूसियत की वजह से चूंकि वो तो जानता था कि ये सबसे बेहतरीन हैं ये सबसे बेहतरीन कारकरी होगी सबसे बेहतरीन अमल होगा सबसे सबकी नस्बत बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले होंगे अल्लाह की राह में लिहाजा इल्म अजली ही में इनको नबूत के मकाम के लिए चुन लिया रसालत के लिए चुन लिया लिहाज़ा इसमत के लिए चुन लिया कि जब ये आएंगे तो इसमत के साथ आएंगे। लिहाजा इसमत इख्तियार के साथ माने नहीं है और देखिए ज़िंदगी में अजीज़ा नगरामी मैं कुरान से दो मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ और फिर हम अपनी बात को अख्तितम की तरफ ले जाएँ अजीज़ा नगरामी कि आप देखिए सूर मुबारक फ़तः में अल्लाह तसूल सल्ला वसलम के साथ और उनकी इताद करने वाले और उनका साथ देने वाले, उनके साथी और उनके असाब में से उन लोगों का तस्करा किया कि जो उनके साथ कुछ असाब हैं सबकी की खसूसियत तो ये यकीन नहीं थी लेकिन जो हकीकी माना में साथी थे और हकीकी माना में साथ देने और इताद करने वाले थे उनके लिए खसूसियतें बयान हुईं कि अशद्दा वाललकुफ़ार रुहमा ओबीन हम कि वो अल्लाह के दुश्मनों और कुफार के मुकाबले में सख्त होते हैं उनके साथ सख्ती करने वाले चूँकि जो अल्लाह का दुश्मन है वो इनका दुश्मन है और अल्लाह के हबीब के ये दोस्त हैं अल्लाह के हबीब के ये साथी हैं रुहमा बी और आपस में एक दूसरे के साथ रहम करने वाले होते हैं और अच्छा सलूक करने वाले हैं रहमदिल हैं एक दूसरे की नस्बत मेहरबान हैं तो आजीजा ने ग्रामी आपने देखा फिर अब ये खसूसियात जो बयान हुई मैं उन खसूसियात को और सफ़ात को जो बयान की गई हैं छोड़ कर आखिरी जो है इस सूर फ़त के आखिर में बयान होता है कि वाहीन आमनु व आमिल हातमिन हम मत वन आज़ीमा बस अल्लाह ताला वादा करता है इन लोगों से कि इन लोगों में से जो लोग ईमान पर साबित क़दम हैं और माल साल को अंजाम देते हैं अल्लाह ताला ने उन लोगों से क्या वादा किया है मगफरत का और अजर अजीम का वादा किया है तो अजीत कराम ये मगफरत जो जितना अमल करने वाला है उसको उतनी मिलेगी अजर अजीम उसी तनासुब से उसी नस्बत से मिलेगा जितनी जिसकी जहमत है जितनी जिसकी कोशिश है उसी हिसाब से मिलेगा लिहाज़ा आप देखिए कि ये आयत करीमा मैं यहाँ पर बात को ख़त्म करता हूँ इन शसलसल में और सिलसिले गुफ्तु जारी रखते हुए इस बात को नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मुकम्मल करेंगे और यहाँ मैं इसको अख्तित पर पहुँचाता हूँ कि पस देखिए कि जिसकी जितनी कोशिश होगी अल्लाह मगफरत और भलाई उसके हक में उतनी ही करेगा लिहाजा इल्म अजली में अल्लाह के जो था कि कौन कितनी कोशिश करने वाला होगा उसी एतबार से अल्लाह ने तोफ़ीक़ात करार दे दी उन लोगों के लिए इसी अंदाज से उनके लिए अजर करार दे दिया इसी अंदाज से उनके लिए मकामात करार दे दिए तो इस दुनिया में इसमत के लिए उन्हीं को चुन लिया क्योंकि ज़रूरी था कि कुछ हस्तियाँ इसमत पर फायज़ हों इस निज़ाम में ज़रूरत थी इस बात की इस खूबसूरत नज़ाम में इस हकीमाना जो सिस्टम है इसके अंदर कि कुछ हस्तियाँ इस तरह मासूम हों और इस के खूसियत के साथ हों और अजीज़ा नगरामी से इस बात को हम मज़ीद नेक्स्ट प्रोग्राम में इन साथ रहें हम इस हक, हकीकत को और इन सवाल के जवाब को मजीद वजाहत के साथ आप सामीन कराम की खिदमत में पेश करेंगे व सल् महमदम वाहरीन وارفع البلاء